नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयसी। देश भर में जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का वार चल रहा है, वहीं झारखंड में भी दोनों एक दूसरे पर धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जमकर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रांची के पहाड़ी मंदिर की समिति जैसे ही भंग हुई, बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर सनातन धर्म को खतरा पहुंचाने वाली गठबंधन बताकर जमकर निशाना साधा। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाली सरकार देश भर के मंदिरों और वहां की सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रही। सब उजागर हुआ है और देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता ऐसे इंडिया गठबंधन, जो घमंडी गठबंधन है, इनके खिलाफ 2024 में जब चुनाव होंगे तो इनके जवान जब्त कराने का काम करेंगे। रांची के अंदर कि आपने जो एक मंदिरों का राजनीतिक करण शुरू किया है करना, अब हिंदू अब सनातनी धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सनातनी धर्म के लोग सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। क्या हिंदू धर्म, हाँ सनातनी धर्म बहुत सही सुन होता है, हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते, हम ढेला पत्थरबाजी में विश्वास नहीं करते। हाँ हम किसी प्रकार का, इसका सर कलम कर दो, ये कर दो, इस पर विश्वास नहीं करते। हम इसके विरोधी हैं। क्यों? हम विवेकानंद के पुजारी हैं। क्यों? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुजारी हैं। लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातनी धर्म के खिलाफ आप अभियान चलाओगे, हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ आप बोलोगे, कब तक चुप बैठेंगे, कब तक मुंह बंद करके बैठेंगे? अब समय आ गया है तो इनको अब जवाब देना होगा। जवाब देने का भी समय आ गया है। पहाड़ी मंदिर पर कब्जा, पहाड़ी मंदिर झारखंड के अभिभावक हैं, पहाड़ी बाबा हम सब के आशीर्वाद देते हैं, और पहाड़ी मंदिर हम कहीं भी, कोई भी झारखंडी, हम कहीं शुभ कार्य करना चाहते हैं, सुबह उठते तो पहाड़ी बाबा का दर्शन करते हैं, पहाड़ी बाबा को नमस्कार करते हैं। वैसे जगह राजनीति करण, अरे करना है तो पहाड़ी बंदी की घेराबंदी करो, करना है तो पहाड़ी मंदिर से अतिक्रमण हटाओ, अरे करना है तो पहाड़ी मंदिर को और सजाओ सवारो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ को सजाया, कॉरिडोर बनाया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने महाकाल को कॉरिडोर बनाया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर को राम मंदिर बनाया, मथुरा कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, भी बनाओ। पहाड़ी बाबा हम सबके गार्जियन हैं, हम सबके अभिभावक हैं, वहां बनाओ। और हनुमान मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जहां से महावीर मंडल के का झंडा जहां से निकलता है, हम सब रोजाना मस्तक झुकाते हैं, तो ऐसे लोग जो एक साल पहले जिन्होंने हनुमान जी के मंदिर पर आक्रमण किया, पत्थर बरसाए, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं गिरफ्तारी होती, क्यों नहीं एफआईआर होता? आप तुमको खुली छूट दे रहे हो, एकदम दिखा रहे हो कि हनुमान मंदिर पर कब्जा करो कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ हनुमान मंदिर पर आक्रमण वाले करने वालों को छूट दो। क्या दुगला चरित्र है, क्या दोहरी नीति है? मैं तो इसीलिए पूछना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के इन साथियों को, आप कहां खड़े मित्रों? आज ये वही सरकार है जिन्होंने गौ तस्करों को छूट दे दी, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पुलिस को मना किया कि जो गाय जाती है बांग्लादेश, जो गाय को काटा जाता है उस पर कोई पुलिस रोके नहीं। ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जो डोरंडा में रोजाना रोजाना गाय को काटा जा रहा है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक है, सरकार मूक दर्शक है। गाय हमारी माता है, हमारी नहीं। आप 140 करोड़ देशवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी माता है, अब वैसे माता को तस्करी कर, गौ तस्करी कर ले जाया जाए, उनको किस कदर प्रताड़ित किया जाए, उनकी हत्या की जाए, तो स्वाभाविक है कि खून तो खोलेगा।
वही संजय सेठ के इस बयान पर पलटवार करते हुए धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने कहा कि मंदिर की समितियां हर हाल में भंग होंगी, किसी को लूट की छूट की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब मठ की जमीन और पैसे, भक्तों का चढ़ावा, सब कुछ सार्वजनिक होगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में विशेष सुविधा दी जाएगी। सांस्कृतिक और वैदिक पढ़ाई के लिए झारखंड में जल्द स्कूल खोला जाएगा। मंदिर से अपनी दुकानदारी चलाने वाले लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आम सनातनी धर्म न्यास बोर्ड के साथ है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा? सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के मेरे हिसाब से अगर कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा विरोधी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई नहीं है। हम ये चैलेंज कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनकी सरकार यहाँ पे ज़्यादातर रही है, 80% टाइम है अभी तक झारखंड में उन्हीं की सरकार रही है। उन्होंने किस मंदिर के लिए झारखंड में क्या किया है, किस हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए उन्होंने क्या किया है वो ज़रा बताएँ। उन्हीं के देख रेख के समय में यहाँ पे कई धर्मशाला का जमीन बिक गया। देवघर में कितना एक बहुत बड़ा जो न्यास का भूमि था उसको लोग बांट दिए, बेच दिए। तो ऐसा चीज़ वो लोग बोलने के पहले चार बार सोचे और समझे। यहाँ पे जगह जगह पे लोग जो मठ बनाकर और उसका स्वार्थ शोधन कर रहे हैं, धन शोधन कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं देखेंगे। मंदिर का व्यवसायीकरण हम लोग नहीं होने देंगे। और इसमें ये कोई सरकारीकरण नहीं, ये एक न्यास है और वो सिर्फ हिंदू जनभावना के हिसाब से चलेगा। क्या महंत पुजारी प्रथा समाप्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। महंत और पुजारी प्रथा बिल्कुल जायज़ है और रहेगा, लेकिन महंत पुजारी का ये नहीं है कि आपका मंदिर में जो चढ़ावा चढ़े उनका पर्सनल है, उनका व्यक्तिगत नहीं। वहाँ जो चढ़ावा चढ़ रहा है, वो चढ़ावा चढ़ता है भगवान का, वो विग्रह का है। वो जो भूमि है, वो जमीन है, जो मंदिर है, वो उस भगवान और उस विग्रह का है। वो उनकी संपत्ति है और तमाम हिंदू जनमानस का संपत्ति है। वो उनका विशेषाधिकार नहीं है कि वो उसका कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे सामने उदाहरण है, हजारीबाग का एक उदाहरण है, छोटा अखाड़ा का कितना जमीन वहाँ के महंत ने बेच दिया, वहाँ का अष्ट धातु का भगवान का मंदिर मूर्ति बिक गया। इस तरह का चीज है, कोई इस पे देखने वाला नहीं, और इन्हीं के सरकार रहते हुए वो सब हुआ है। उसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कह रहा। आज आक्रोश मार्च भी निकाला, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। आक्रोश मार्च निकाले, जिसका भी स्वार्थ में अगर आपको दखल लग रहा है तो उसके पेट में दर्द होगा, लेकिन मेरा जो काम होगा वो तमाम हिंदू जनमानस के अनुकूल। धार्मिक न्यास बोर्ड को लग रहा है कि धर्म पे राजनीति की जा रही है। धर्म का राजनीति छोड़ के वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। धर्म के हित के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। धर्म का कैसे बढ़ावा उसके बारे में नहीं कहते हैं। कैसे यहाँ पे वो और अच्छा से सनातन धर्म, हमारा संस्कृति, कहीं अभी तक आप बताइए ना, इतने साल तक उनका सरकार रहा, कहीं हम पूछ रहे हैं बार बार तो कोई ढंग का संस्कृत विद्यालय या कोई वैदिक विद्यालय यहाँ पे खुला है पूरे झारखंड में, तो वो बताएं। कोई वैदिक विद्यालय अभी तक नहीं खोले। हम लोगों ने प्लान किया और ये खोलने जा रहे हैं। हम लोग वैदिक विद्यालय एक देवघर में बाबा बैद्यनाथ के वो प्रांगण के पास में वहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। कोशिश रहेगा कि रांची में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास हम लोग एक वैदिक विद्यालय शुरू करें, और वो ऐसा विद्यालय है जिसमें अभी का एडवांस हम लोग जो भी कोर्सेज हो उसको भी कराएंगे और कर्म कांड के लोग शिक्षित करेंगे। धर्म और पुराण के बारे में जहाँ जानकारी होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, इसके बारे में कांची का जो हमारा शंकराचार्य का पीठ है वहाँ पे बात हो रही है, और विश्व ये जो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी हम लोग टाई अप करने के लिए बात कर रहे हैं, और इसमें हम लोग बहुत जोर से पहल कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।